लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। करने लगते थे। कहते हैं यहाँ बहुत सी परेशानियाँ हैं। कैसी परेशानियाँ? परेशानी ये है कि वो हमें जीने नहीं दे रहे। मैंने भी उन सिद्धि योगियों की बात सुनी है। यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है। अरे बापरे, सिद्धि योगी वो कौन है? पुरुथुरी के मायावी जादूगर। सालों तक उन्होंने एक गड्ढे के अंदर बैठकर गहरी तपस्या की। एक दिन वो गड्ढा तोड़कर बाहर निकल आए। मुझे जराइए मत ना। अपनी दैवी शक्तियों का इस्तेमाल उस सिद्धि योगी ने बुरे कामों के लिए किया। एक दिन उस योगी ने नाग की पवित्र अंगूठी चुराने की कोशिश की। कुन्यूटन भी उसे रोक नहीं पाया। कुन्यूटन कौन था माँ? कुन्यूटन एक नन्ना सा सांप था। जादूगर ने वहाँ उस साधु को मार डाला और भगा दिए। अरे बाप रे! मगर उससे भी बड़े जादूगर थे मादम्बी के माधव कुरुकल। वो समझ गए कि इस सब के पीछे उसका मकसद था नागमणि और उससे संबंधित ग्रंथों को चुराना। क्या कहा नागमणि? ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। ऐसा मानते हैं कि उस मणि में पूरे ब्रह्मांड की आत्मा बसी है। अगर उसे हासिल कर लिया तो आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। बहुत लोगों ने उसे छीनने की कोशिश की, पर जब वो ऐसा करते हैं तो सांप अपना फन निकाल कर उन्हें डस लेता है। मौत? हाँ, उसे एक मायावी कक्ष में छुपा कर रखा है। मायावी कक्ष में? पानी के झरने के नीचे एक गुफा मंदिर के अंदर एक यक्षिका उसकी रक्षा कर रही है। यक्षिका? यक्षिका वही जगह है जहाँ कुन्यूटन और नाग देवता उस नागमणि की रक्षा करते थे। वो नागमणि हमें दिखाई देता है? नागमणि देखने के लिए मादम्बी परिवार की देवी का आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। मैं गायत्री देवी की बात कर रही हूँ। मैं ही हूँ मादम्बी परिवार की गायत्री। अभी मैं 11 साल की हूँ। 20 साल की हो जाने पर मैं देवी बन जाऊंगी। गायत्री देवी, ये तो मेरी माँ का नाम है। एक दिन वो सिद्ध योगी मादम्बी परिवार के घर घुस आया और गायत्री को छीन कर ले गया। मथाई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मारवी मथाई ने? मारवी तो एक नंबर के भुलक्कर थे। कभी कभी तो अपना नाम भूल जाते थे। तब की बात अब भूल जाते, अब की बात तब भूल जाते। वो हमेशा चीजें भूल जाते। मगर मथाई गायत्री को नहीं भूले थे। वो सिद्धि योगी गायत्री को जबरदस्ती ले जा रहा था। उसने गायत्री से वो नागमणि छीनने की कोशिश की। तभी माधव कुरुकल वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने जहरीले भाले से जादूगर पर वार किया। इस तरह गायत्री देवी की जान बच गई। मारवी मथाई और माधव गुरुकुल हमेशा खुश रहने लगे। मगर अपनी मृत्यु से पहले उस जादूगर ने अपने बेटे को उपदेश दिया कि उसे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति पानी होगी और मादम्बी परिवार का विनाश करना होगा। उसने अपने बेटे को वो नाग की अंगूठी दी जो उसने उस मायावी कक्ष से चुराई थी। उसे बताया गया कि उसे पैर के अंगूठे में पहनने से वो जादूगरी में महासिद्धि प्राप्त कर सकता है। उस लड़के का नाम क्या था?
दिगंबर। बेटे आनंद। जी माँ। क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम शिवपुरम जाके मेरे लिए एक दिया जलाओगे? मैं अपनी माँ के लिए 1000 दिए जलाऊंगा, फिर मैं उन सभी दियों से कहूंगा कि मादम्बी की गायत्री दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर भी इन दियों से भरे मंदिर के बारे में बहुत से सपने देखा करती थी। वो वापस लौटने के लिए बहुत तरसती रही। सॉरी 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 सॉरी, मैं इसे लेना भूल गया। जब 28 तुम्हें भूल गया। यही है मेरी सीट। क्या मैं यही बैठा था? यही है ना मेरी सीट, यही बैठा था। पर आप तो इस डिब्बे में थे ही नहीं। मैं किसी फिरंग के साथ सफर कर रहा था। ठीक कहा ना सर? आप वैसे सर हैं या मैडम? मैडम। ओ मैडम है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, क्योंकि सभी मुझे मारवी मथाई के नाम से जानते हैं। मारवी मथाई? मारवी मथाई? मारवी नहीं, मारवी। मेरे पिताजी और उनके पिताजी को भी भूलने की बीमारी थी, और इसलिए मेरा भी नाम मारवी मथाई पड़ गया। लेकिन मुझे अभी भूलने की बीमारी नहीं हुई है, मगर मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया? भाई साहब अपना चश्मा ढूंढ रहे। मैं तो भुलक कर रहा। ये क्या चीज है? ये मेरी माँ की अस्थियाँ हैं। लोग इसे चिता भस्म भी कहते हैं। दरअसल यहाँ का रिवाज है कि उनके रहने की जगह में उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाए। ओ, ये बहुत कमाल का रिवाज है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं ये शिवापुरम जा रहा हूँ। शिवापुरम जा रहे हो? शिवापुरम? हाँ, वहाँ जाकर शिवकालन के मंदिर में दिए जलाने हैं और माँ की अस्थियों को भी वहीं अर्पित करना है। ये माँ की इच्छा थी। उसके बाद मैं अमेरिका लौट जाऊंगा। ओ, तुम अमेरिका से हो? हाँ, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ से? सनी बेस है। मैं सिलिकॉन वैली में नौकरी करता हूँ। ओ, सैन फ्रांसिस्को का रास्ता शिवापुरम से होकर जाता है, समझ गई आप? भूत और आत्माएं शिवाकालन में आज भी भटकती रहती है। शिवाकालन? मेरी माँ भी बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनाती थी। बहुत वक्त से शिवाकालन में किसी ने दिए जलाने की हिम्मत नहीं की है। पर क्यों? दिगंबर जो एक तांत्रिक है वहाँ पर अपनी विद्या का अभ्यास करता है। वहाँ पर काला जादू और बलि भी चढ़ाई जाती है। काला जादू? दिलचस्प है। काला जादू? काला जादू हजारों साल पुराना। केरला काले जादू वाला देश। सांप शिवापुरम भी काला जादू। मैं भी शिवापुरम ही जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। थैंक यू। भाई साहब मुझे शिवापुरम। मैंने कुछ नहीं सुना भाई साहब। अरे सुनो तो, मादम भी परिवार के घर जाना है। सुनिए, मुझे रास्ता नहीं पता भाई साहब। मिस्टर बधाई तुम मेरे पीछे इस तरह क्यों आ रहे हो? नहीं, आप मुझे रास्ता बताने वाले थे। रास्ता कहाँ के लिए? मादम भी जाने का। मादम भी जाने का रास्ता यही है, बिल्कुल यही, शिवाकालम से भी आगे इस वक्त। लेकिन वहाँ कौन जाएगा? अरे देखो सुनो भाई साहब, आप क्या है वो बात क्या है? तुम सच में जानना चाहते हो? पिछले पूरम की रात को मैंने रात के ठीक 11:28 पर कीचड़ के अंदर संकरण का कटा सर देखा था। प्लीज मुझे डराइए मत। मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा। वहां जाने का रास्ता यही से है, याद रहे मैं मारवी मताई हूँ। और किसी को बताना मत कि मैंने मदद की। ये मत कह देना कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ। इस तरह से जाओ, मैं अभी मानियों से मिलकर आता हूँ। वहां जा रहे हो तो संभल कर जाना। बहुत दिलचस्प। Thank you.
एक नारियल है। मैं तो डर ही गया था। भाई साहब, माधव में जाने का रास्ता कौन सा? शिवा कलन के रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। ओ, शुक्रिया। मगर इस वक्त जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधेरे में सब कुछ मुश्किल होता है। ओ, अच्छा अच्छा। बहुत मुश्किल होता है पहचाना कि सामने इंसान है या कोई भूत। प्लीज मुझे डराइए मत। किससे पूछूं? माँ ने मुझे इतनी सारी कहानियां सुनाकर डरपोक बना दिया है। अब मुझे भी वही चीजें दिखाई देने लगी हैं, जैसे संकरण का सर, नारियल और भूत। क्या बकवास है। घबराने की जरूरत नहीं, इसके चेहरे पर दवाई डाल दी है। अब ये गहरी नींद में सो रहा है। बिना रास्ता जाने वो यहाँ पहुँचा है, वरना शिवा कालन के रास्ते वो यहाँ तक आ पाता। अभी शुक्रवार को इसी दिन तो बुरी आत्मा आकर पूजा करती है। ए, मामले को और उलझाओ मत। किसी भूत प्रेत या रूह को हम हिरासत में नहीं ले सकते। ए, ये कोई भूत प्रेत या रूह नहीं है, ये दिगंबर है। अरे अरे, ये तो वही है जो अगवा हो गई थी। हाँ। ओहो, फिर से नई उलझन। तुम कह रहे हो कि वही लड़की है जो अगवा हुई थी? इस लड़की का सिर्फ दिमाग अगवा हुआ है, इसका शरीर यही है, इसका दिमाग दिगंबरम के वश में है। अंधेरे में तो भटकेगी, दिन में इसकी पूरी याददाश्त खो जाती है। अगर आपने इस तरह बात की तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं इस बिना पर दिगंबर को गिरफ्तार नहीं कर सकता। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी पुलिस वाले में ऐसा कुछ करने की हिम्मत होती तो ये गांव आज तरक्की की राह पर होता। तुम जाओ अपना काम करो, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? तुम दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इसे धोखा देकर दिगंबर ने अच्छा नहीं किया। खून की गंध से ही पहचान सकता हूं मैं। अरे घबराओ मत, ये देख नहीं सकता। मैं कहां पर हूं? हम तुम्हें शिवा कलन से यहां लाए हैं, वहां तुम बेहोश पड़े हुए थे। मैं उसे नहीं बख्शने वाला। क्या तुम्हें ऐसी कोई बात याद है जो अतीत में घटी हो? एक औरत, क्या आप में से कोई मुझे माधवी जाने का रास्ता बताए? क्या माधवी का रास्ता? माधवी? माधवी में कौन है? क्या कहा? आप मुझे प्लीज माधवी का रास्ता बताइए।
बंद है क्या? इतना भटकने के बाद में आखिरकार माधव भी पहुंची गए। तो ये है माधव भी परिवार का घर। कौन होता है? ये पकड़ी। क्या चाहिए? ये माधवी के महान जादूगर माधव कुरुकल और ये कार्थियानियम। जरा ये बताओगे कौन हो तुम? जरा ये क्या कर रहे हो? ये वही गायत्री देवी है ना जो सेतु के साथ भाग गई। जल्दी बताओ कौन हो तुम, मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे परेशान मत होइए रमणी नायर, यहाँ नांगल मुतासे की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। नांगल मुतासी तो यहाँ पर है। ये कौन है, क्या आप मुझे पहचान सकती हैं? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, बोलने का अंदाज और मुस्कान देखकर मेरा दिल कहता है तुम मेरी गायत्री के ही पेट से जने हो। पता है इस आयुर्वेद औषधि में कुछ खास दवाएं मिलाई हैं भद्रा ने। वो कहती है जुकाम के लिए अच्छी है। हो सकता है, मैं जानता हूँ उसके हाथों में बहुत गुण है। जरा इसे देखो और पहचानने की कोशिश करो। ये हमारी गायत्री का बेटा है, मेरी गायत्री का। गायत्री का बेटा है? गायत्री माँ नहीं आ सकती। मैं जानता था वो नहीं आएगी। मेरे ख्याल से उसने ये सोचा होगा कि हम बूढ़ों के बीच में आकर क्या करेगी वो। नहीं अंकल, उसे देवी बनाते वक्त रथ उत्सव के दौरान रेशम में सजाया था, वो नजारा आज भी मेरे मन में बिल्कुल ताजा है। तुमने फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी। वो भी मेरे साथ आकर यहाँ आप सबसे मिलना चाहती थी, लेकिन सब कुछ अचानक हो गया। वो चाहती थी कि उनके क्रियाक्रम के बाद उनकी अस्थियां शिवापुरम में रखी जाए। वो अक्सर कहा करती थी कि उनकी अस्थियां इसी घर में रखी जाए हमेशा। बहुत ही पवित्र बच्ची थी, तभी तो आखिर तक वो अपने प्रेमी के साथ रह पाई। हमने तुम्हें यह कमरा इसलिए दिया है क्योंकि तुम अपने मॉम के कमरे में रहना चाहते थे। या और भी कमरे हैं जो इससे ज्यादा आरामदायक हैं। रमन्ने भाई साहब, मेरे लिए यह कमरा काफी है। गायत्री के बाद यह कमरा सुभद्रा का हो गया, उसके बाद कोई इस कमरे में नहीं आया। साल में एक बार माघ महीने में कार्तिका तिथि पर प्यारी भद्रा दिया और अगरबत्ती जलाएगी। भद्रा, तुम इन्हें पढ़ सकते हो, लगता है भद्रा की लिखी हुई कहानियां हैं। कार्तिका तिथि पर माँ अमेरिका के हमारे मकान में दिए जलाया करती थी। वो कहती थी कि ये दिए हमारे जमीन के लिए बहुत लाभदायक। ये बात सच है। भद्रा की डायरी है फिल्म का नाम। गाने के बोल लिखे हैं गिरीश पुथनचेरी ने और गायिका है चित्रा। इस गाने की फरमाइश की है चेन्नई से चिन्नू और दीपा और उनके दोस्तों ने। नानी माँ, मैं जरा आसपास में घूम कर आता हूँ, ठीक है? ज्यादा दूर मत जाना। हाँ ठीक है। पुरानी याद आई है एक बात पुरानी
अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरी बीवी और बच्चों को ले जाओ अपने साथ। अपनी बीवी और बच्चों को शराब पीने के बाद सताकर तमाशा करते हो, ऐसा करके शर्म नहीं आती? ऐसा करके शर्म नहीं आती? ये मत समझो कि तुम बहुत अकलमंद हो। चुप रहो। जब तुम सड़क के बीचों बीच ऊपर हाथ उठाते हो तो लोग तो देखेंगे ही ना, उसके बजाय इन्हीं पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद क्यों नहीं लेते हो? अब एक बात बताओ, क्या इन बच्चों को देखकर तुम्हें दया नहीं आती? सिद्धांत वाली लगती है। हमेशा पीते हैं। कल रात 12 बजे तक खूब पिया था। इसे मेरा दिया हुआ काढ़ा नहीं पिलाया? हाँ, उसे भी शराब में मिलाकर पी गए। चलो चलो, झगड़ा हो गया ना खत्म, चलो अपने नाश से जाओ, बीच में मत बोलो। अच्छा चलो, अब छोड़ो वो सब, आज ये अपनी दवाई जरूर लेगा, वरना मैं तुम्हारा इलाज अपनी वाली दवाई से करूंगी, समझे? लाजवाब। सब लोग घूर क्या रहे हो, अपने अपने घर जाओ। तुम कहाँ से आए हो? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। सरीफ है क्या? सिलिकॉन वैली, बहुत खूबसूरत जगह है। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको लाजवाब कह रहा था, थोड़ी सी तारीफ ही कर रहा था बस। सैन फ्रांसिस्को कहीं का। अंग्रेज चले गए, इसे यहाँ छोड़ गए। अच्छा, बहुत अच्छा है। शिवापुरम में बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में माँ ने मुझे बताया नहीं था। हेलो मिस भद्रा। आपके पास ये सब कहाँ से आया? क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? हाँ, मेरा पोता ये मेरे लिए अमेरिका से लाया है। वैसे ये मुझ पे अच्छा तो लग रहा है ना? अरे बता ना। पर मैं आपके लिए ये लाई थी दादी। रख दो इसे। अरे ये क्या, तुम जाकर उसे जल्दी से ये दूध दे दो वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें मैडम ने। ये क्या है, चलो पढ़कर देखते हैं। आज मार्च 17 है, मीनम 7, चौथे सोमवार का व्रत पूरा हो चुका है। देवी को लाल फूल अर्पित किए जा चुके हैं। आज अम्मू की शादी हो गई, हमारी शादी होने वाली है अगले। I'm really sorry, मैं ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि आपके। रमणी भाई साहब ने मुझे बताया कि इसमें भद्रा की लिखी हुई कहानियां हैं, तो मैं I'm really sorry, मैं आपकी डायरी पढ़ना नहीं चाहता था। भद्रा, मैं जानता हूँ ये सही नहीं है। तुमने अब तक इसे दूध नहीं दिया, इसे गरम गरम पीना चाहिए। हमारे कुछ रिश्तेदार इससे मिलने आए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है तो मैं जरा नहा कर आता हूँ, फिर से I'm sorry। ये सब बाईं तरफ होना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। ये लो बेटा। पत्ते को बाईं ओर रखकर बाईं आंख के कोने से देखोगे तो प्रेमिका तुम्हारे सपने में आएगी। एक नंबर का बेवकूफ लगता है। जल्दी से चावल परोसो। जो कोई मादम भी पहली बार आता है उन्हें रिवाज के मुताबिक फर्श पर खाना खिलाया जाता है, केले के पत्ते पर। और तुम्हें सारा का सारा खाना खाना पड़ेगा, वो भी बिना कुछ छोड़े। बस बस, मैं डाइट पर हूँ। बड़ा आया डाइट वाला। कितनी भयानक आंखें हैं इसकी। इसके हाथों से बनी आयुर्वेद की दवा दिव्य शक्ति से भरी होती है। अब इसे एक दिव्य आत्मा बनाने की बात छिड़ने लगी है, हर कोई यही चाहता है। हम अपना मुंह बंद रखें यही बेहतर है। जब गायत्री यहाँ से चली गई, वो यहाँ की दिव्य आत्मा या देवी नहीं बन पाई। देवी रसम, छास, सब्जी, रसम। इसने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा है कि इसकी शादी अम्मू के साथ ही होगी? अगर ये एक दिव्यात्मा बन गई तो क्या ये शादी कर पाएगी? माँ ने कहा था कि ये तो नामुमकिन है। बस बस और नहीं। खीर है? नहीं कुछ नहीं। खा
खाना खाने के बाद खीर खाना यहाँ का रिवाज है। मीठा खाए बिना सो जाओगे तो तुम्हारी मीठी यादें गायब हो जाएंगी। मीठा खाए बिना सो जाओगे तो मीठी यादें गायब हो जाएंगी। वेरी इंटरेस्टिंग। इसने तो सीख लिया। ये वैसा है नहीं जैसा मैंने सोचा था। हाँ ठीक है। थोड़ा हंसिए तो सही मथाई भाई साहब। हो गया, सबकी तस्वीर ले ली, अब तो खुश हो ना तुम? मुझे लगता है गलती से मैंने आग बंद कर ली थी, एक बार और कोशिश करेंगे। बात नहीं भाई साहब, ये एक वीडियो शूट है, फिर भी एक बार। तो अब सब जान चुके हैं कि आनंद कौन है। इसके बालों की स्टाइल देखकर ही पता चल जाता है ये कौन है। ये अमेरिका से आए हैं तो पूछ रहा था कि कुछ पीने के लिए लाए हैं। शाम को मिलते हैं। जरा इधर आओ बेटे, ये है मेरा बेटा श्री, इसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब तुम्हें इसे नौकरी दिलानी होगी, अगर यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा। मैंने बीए पास किया है, इसीलिए रीति रिवाज नहीं मानता। यहाँ तक कि पिता की धोती पहनना भी इसे पसंद नहीं है। तरक्की कितनी भी हो जाए लेकिन पिता की सोच एक जैसी रहती है ना। अब हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा चल, चलो बेटा। ठीक। सुनिए, ज्योतिषी रामन आपको बुला रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को। बड़ी हैरत की बात है कि इतनी दूर आप चल कर आए हैं यहाँ। पर यहाँ जो हुआ है उसमें कोई हैरत की बात नहीं। ये आनंद है, गायत्री का। तुम अमावस की रात को पैदा हुए थे, नक्षत्र आइलियम है। वो भी एक शुक्रवार था। तुम्हें कुछ याद है शिवाकालम में क्या हुआ था? बहुत अच्छी तरह तो याद नहीं, मगर वहाँ एक औरत थी, मुझे लगा जैसे अचानक मेरे सिर पर कोई चीज गिर गई हो और मैंने कुछ महसूस किया, फिर मैं बेहोश हो गया। वो तांत्रिक विद्या से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, मादंबी परिवार से वो बदला लेना चाहता है। हो सकता है सब मेरा वहम। शिवापुरम की वो भयानक कहानियां जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी, वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। शिवापुरम की गाय भैंसे मारी जाएंगी, कुत्ते तैरकर नदी पार करेंगे, यहाँ प्रलय आ जाएगा, अच्छे कर्म फीके पड़ जाएंगे। जो इसका कोई रास्ता बताइए। बस एक ही रास्ता है, शिवा कालन में दिया जलाना होगा, एक नहीं बल्कि 1000। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। पता है, मगर अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम अपनी माँ की अस्थियाँ इस घर में रख दो और जल्द से जल्द यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश। तुम बता चुके हो, अभी कुछ मत करो, जल्द से जल्द लौट जाओ। कल तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एक पवित्र धागा और विभूति दूंगा। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताई होंगी। एक ज्योतिषी को चीजों का पूर्वाभास होता है, किसी भी बात को अनसुना मत करना। अरे प्यारे आनंद, एक ग्लास पीकर तो देखो, बिल्कुल असली चीज है। मुझे नहीं चाहिए, आप ही पीजिए। तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो इसलिए कि मैं यहाँ पहली बार आया। तुम आए कहाँ से हो? सैन फ्रांसिस्को नाम के गांव से आए, अभी मुंह बंद कर। तो फिर पीते क्यों नहीं भाई? जब दुकान में आयो तो पीना पड़ेगा, हमारे लिए भी दो बोतल खरीदो। हाँ क्यों नहीं, इन्हें 2-3 बोतल दे दो। क्या ये दिगंबर? नहीं बेटा नहीं, शिवापुरम की हवाएं भी दिगंबर से बात कर सकती है। वो बहुत ही जालिम है, अब तक वो बहुत से बुरे बुरे कर्म कर चुका है। एक बार चिम्बा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने उसे अंधा बना दिया आंखों में जहरीला पाउडर डालकर। क्या मतलब? उसने जहरीला पाउडर तैयार किया और उसे चिम्बा की आंखों में फूंक दिया। माधवी के महान जादूगर माधव कुरुकल ने उस जादूगर यानी दिगंबर के दादाजी को मौत के मुंह में कैद करके रखा है, उसे अपने दादाजी की ताकत मिली है। आप लोग इस सब में यकीन रखते हैं? लो इसे थोड़ा पी लो, फिर तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। मुझे अभी एक बात याद आई है, मैं अभी आया। बहुत से लोगों ने उन आत्माओं को देखा है। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। क्या यहाँ पर कानून या पुलिस नहीं? पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला, डरपोक पुलिस वाला है। अरे सुनो सुनो, भामी को भूत से जगाया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चिम्बा की बहन भामी, 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 क्या है ये सब? शांत हो जाओ।
भामी मेरी बात सुनो, संभालो इसे, कोई संभालो, क्या कर रही हो? अरे भामी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो भामी, रुक, ये चेंबर कहाँ चला गया? रुक जा भामी, तुम सब लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं, चले जाओ सारे यहाँ से, चले जाओ, जाओ, भामी जब मैंने तुम्हें बताया तब तुमने यकीन नहीं किया। ये सब काले जादू की शक्ति है जिससे पूरे शरीर में छाले हो जाते हैं, वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती। ये सब दिगंबर के दुष्कर्मों का फल है। बेचारी सुभद्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ जो होता है वो कोई याद नहीं रख पाता। इस तरह भूल कर जीने का क्या मतलब? अच्छा ये लड़की कौन है? ये चेंबा की बहन है। हाँ? मतलब इस आदमी की? ओह ये एक लंबी कहानी है, उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत थी और आगे की बात भूल गया। जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है वो मान जाएगा? तुम्हें जो कह रहा है उसके मुंह पर कह दो, बाकी सब मैं संभालूंगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे दिगंबर के घर, क्या तुम ये भी भूल गए? चेंबा तुम बिना डरे अंदर जाओ, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। कमाल है, भले ही मैंने तुम्हें अंधा बना दिया हो, तुम आत्मरक्षा के तौर तरीके अब तक नहीं भूले कलारिकल चेंबा। क्या चाहते हो मित्र? मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो तुम्हारी तरह लड़ने के तरीके भी नहीं आते, मेरे पास तो हथियार भी नहीं है। क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? मैं तुम्हें पहले एक बार छोड़ चुका हूँ, जो मुझसे पहली बार गलती हुई थी, तुमने अपने काले जादू के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया, पर इस बार मुझे तुम्हारी लाश गिरानी है। चेंबा, जीवन रेखा, मेरे जीवन में कोई तो गड़बड़ है। शाबाश चेंबा, आओ आओ आ जाओ, आओ आओ चेंबा। तुम्हारी बहन का दिमाग और शरीर मेरे कब्जे में है, वो अब तक कुमारी है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। जिस दिन मुझे वो नागमणि और उसका ग्रंथ मिल जाएगा, वो अपना कुंवारापन खो देगी, फिर उसकी बलि चढ़ेगी, तुम चीखोगे, उसका सारा खून तुम पर गिरेगा। पूनम की रात वाली पूजा में मैंने उसे बिना वस्त्रों में देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अंधे हो। चेंबा मेरे साथ कुछ मत करना, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर सूंघने की
अपार शक्ति है। चंबा चंबा क्या हुआ, रुक क्यों गए चंबा? तुम अंधे जरूर हो लेकिन तुम्हारे पास मन की आंखें हैं। तुम अपने खून को महसूस कर सकते हो। भामी चलो। कौन है बाहर, ये कैसा शोर है? तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह हो। तुम इस खानदान और इस गांव को तबाह कर दोगे। बदमाश कहीं के, ये सब बंद करो। बुढ़िया अपनी दवा ले और चुपचाप वहीं पड़ी रहे, वरना तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। मेरे सोए हुए शेर को मत जगा। दिगंबर वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अब तक। अपनी बकवास बंद करो। कौन है तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम बर्बाद करना चाहते हो? वो मादम्बी परिवार वाले या फिर इस गांव के मासूम लोग? इतना बेसब्र मत बनिए ज्योतिषी जी, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ जो अपना फर्ज निभाते हुए इस घर में रह रहा है। मत भूलो कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। हेलो मिस्टर दिगंबर, आपकी सूरत देखकर डर लग रहा है। सुनिए मिस्टर दिगंबर, मैं सच बताऊं तो यहाँ के सारे लोग आपके बारे में बहुत बुरी राय रखते हैं। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। आप लोगों को सताना बंद कीजिए और एक नई जिंदगी शुरू कर लीजिए। मतलब भगवान की पूजा कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए, जीने का यही तरीका है। आनंद बैठो ना। थैंक यू। वक्त खराब है। सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं इसे ठीक कर दूंगा। कोई बात नहीं। सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर दिगंबर मैं आपको सलाह देने आया हूँ, वक्त हर दफा हो जाए यहाँ पे। अच्छा मिस्टर दिगंबर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, चलता है। मुझे भी। अमावस की रात जन्म हुआ था, नक्षत्र है आहिल्यम। मुझे बस एक बात कहनी है, किसी को मेरे कर्मों के आड़े मत आने देना। कुछ बातें हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा हूं, उनमें से कुछ बातें आप भी जानते हैं। एक साधु के हाथों खून बहाने का जवाब किसी को देना होगा कि नहीं। अब से मादम्बी के लोग तरसेंगे, यही उनकी किस्मत है। आप मादम्बी की सुभद्रा कहाँ है जानते हो? ये बात मादम्बी के लोग भी नहीं जानते। एक बात याद रखना, मेरी बात कान खोलकर सुन लो दिगंबर, जो कुछ भी तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। भामी के साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो सुभद्रा के साथ हुआ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देवी माँ मेरी रक्षा करना, मुझ पर प्रसन्न हो जा। ओम ओम। सुभद्रा सुभद्रा। सुभद्रा 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 क्या हुआ? तुम जानना नहीं चाहती, तुम इनसे जीना नहीं चाहती, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। मैं तुम्हें भाभी की रूह के जरिए पुनर्जीवित करूंगा, तब तक सब्र करो, तुम चैन से सोती रहो, बस चैन से सोती रहो। क्यों तुम्हारा धूला यहाँ नहीं है? अब तक कोई खबर नहीं आई? नहीं। अच्छा सुन,
रात को सोने से पहले ये दवाई लेना मत भूलना। इसे शहद के साथ मिलाकर रात में ले लेना तुम दोनों। कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? कैसी मुसीबत? इसके लिए कमल की कली ढूंढने में मैंने बड़ी मेहनत की है। बहुत पहले मेरी परदादी ने ग्रंथों में पढ़कर मेरे परदादा के लिए ये दवाई बनाई थी। उसके बाद? उसके बाद क्या, उन्होंने 9 बच्चों को जन्म दिया। 9 बच्चे? मुझे 9 बच्चे नहीं चाहिए। एक और बात याद रखना, इसके अंदर कमल की कली है, इसलिए तुम्हें सुबह उठकर सूर्य देवता की पूजा करनी होगी। कमल सूर्य देवता की पत्नी है। और ये देखो, हमारी हथनी लक्ष्मी कुट्टी की पूंछ के बाल से एक अंगूठी बनाकर हमेशा पहने रखना। ऐसा करने के बाद तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुशी से भर जाएगा। जरा सुन, मुझे पता चला कि माधवी में कोई आया है। वही सैन फ्रांसिस्को वाला। तुम उसे पसंद करने लगी हो ना? हाँ, कौन मैं? हाँ। अगर उसने मुझे तंग किया ना, तो मैं कमल की कली और औषधि पौधे को मिलाऊंगी और उसके बाद उस पर ऐसा लेप लगाऊंगी कि वो चलना भूल जाएगा। हाँ? हाँ? तुम्हारे वो बुला रहे हैं। चांद छुपा बादल में, शर्मा के जा। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। लाजवाब कमल, कमल जो मुरझा गया। अरे, अरे देखो, मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलो। दो लड़कियों की बातचीत रिकॉर्ड करते हो। तुम्हारे सैन फ्रांसिस्को में भी ऐसा ही होता है क्या? सैन फ्रांसिस्को में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ये सीन शूट करके अपने साथ ले जाऊंगा ताकि इसे वहाँ दिखा सकूं। मैं इसे अमेरिका के सभी चैनल्स में दूंगा जिसमें फॉक्स टीवी भी शामिल है। अरे वहाँ तलाक की बहुत ज्यादा तादाद है, जब वो ये देखेंगे तो वहाँ की जोड़ियाँ भी सूरज और कमल की तरह रहेंगी। भद्रा की औषधि खोज है जो कि माधव के परिवार की खुशकिस्मत लड़की है, सॉरी प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी, एकदम प्यारी। चांद छुपा बादल में। ये क्या हो रहा है? किसे चाहिए कमल का फूल? इस वक्त उसका मिलना यहाँ बहुत मुश्किल है। आइए मैं आपको बताता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? कमल का फूल लेना या नहीं? ये तो शिवा कालन है, वहाँ मत जाओ, तुम उसे यहीं से देख लो। अरे आप डरिए मत पुजारी जी, मैं हूँ आपके साथ। आइए, कहाँ ले जा रहे हो? उस दिन मैंने उस लड़की को यहीं कहीं देखा था, इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ मत जाओ, चलो वापस चलते। वाह बहुत खूबसूरत है, क्या यही शिवा कालन मंदिर है? अरे अरे ये वो जगह है जहाँ दिगंबर खून की बलि चढ़ाता है। यहाँ मत रुको, चलो जल्दी चलो। रुके रुके, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप आइए आइए ना मेरे साथ। किस मुसीबत में डाल रहे हो मुझे? इस जगह में थोड़ा बदलाव करना होगा, यहाँ पर हर तरफ दिए जलाने होंगे। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बताता हूँ, यहाँ पर दावत होगी, आखिरकार मेरा काम हो जाएगा और आपको, जी हाँ आपको, प्रसाद के तौर पर यहाँ आपका डांस प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है? अरे वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, ये बात हिम्मत वाला है। चलो यहाँ से। तुम चल रहे हो कि नहीं बेटे? चलो, अरे चलो जल्दी। आप इतना क्यों डर रहे हैं? अरे बोलो आ रहे। क्या बात है, अब शिवा कालन में दिए जलेंगे, ये दिगंबर के लिए सचमुच एक चुनौती होगी। ये उसके लिए चुनौती है। अब जाके हम में थोड़ी हिम्मत आई है। एक बात तो है, आनंद के आने के बाद हमें थोड़ा सुकून मिला है। मैं ऐसी कुछ बात नहीं है भद्रा, मैं तो बस भद्रा ये तो वही मायावी कक्ष है, वही गुफा मंदिर जिसकी कहानियां माँ मुझे सुनाया करती थी।
बंदगी क्या मैं बांधूं इन कचरों को तेरे हाथों में तेरे बालों में बंधन ये प्यार का टूटे न अब सनम मिलते रहे हम हर जन्म है कि तुम्हारी शादी अम्मू के साथ साथ होनी चाहिए। बात यह है कि मैंने देवी के तौर पर मेरी बहन सुभद्रा की जगह ले ली है। तो फिर भद्रा देवी, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? कैसी इच्छा? तुम मुझे मायावी कक्ष में ले चलोगी? चलो। बिल्कुल शोर मत मचा, अंदर आओ। इसके अंदर आवाज मत करो, सांप इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नक्षत्र आयनियम है। पहली बार मादम्बी परिवार के किसी लड़के ने इस गुफा में कदम रखा है
ऐसा क्यों? अरे सब यहाँ आने से डरते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी। मेरे पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। हाँ, अगर उन्हें पता चला तो। नहीं, मैं नहीं बताऊँ। ठीक है, अब चलो आंखें बंद करो और सभी नाग देवताओं से प्रार्थना करो, फिर उस छेद में अपना हाथ डालो और चाबी बाहर निकालो। उस छेद में हाथ डालो? हाँ, इसके अंदर एक चाबी है, उसे बाहर निकालो। डर गए क्या? मैं डरता नहीं हूँ, पर तुम मुझे डराना भी मत। हाँ तो चलो निकालो। तुमने तो मुझे चाबी निकालने को। यही तो है चाबी। जरा मेरी उंगली को छुओ। पर वो क्यों? अगर मेरी उंगली को छुओगे तो ही नागमणि को भी छू पाओगे। यही है मायावी कला। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, सब कुछ वैसा ही जैसा मेरी माँ ने बताया था। तुम्हें पता है हमारे परदादा माधव गुरुकल के जमाने में कीमती चीजों को इस कक्ष में रखा जाता था। उन्हें उन काले जादू वाले लोगों से डर लगता था और वो नागमणि और पुराने ग्रंथों को यहाँ रखते थे। लेकिन एक और चीज है जो नागमणि से भी ज्यादा कीमती है। वो क्या है? वो तो मेरे सामने है। अच्छा सुनो, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, चलो। क्या ये तुम क्या कह रही हो? नागमणि देखे बगैर यहाँ से मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस क्या यही है वो? तुम भले ही अमेरिका से आए हो पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी जल्दी नागमणि को देखोगे। इसके लिए तुम्हें खुशकिस्मत होना पड़ेगा और मादम्बी की वो लड़की तुम्हारे करीब होनी चाहिए। वो तो है ही ना। हाँ जानती हूँ, पर कुन्यूटन की इजाजत के बगैर हम वो मणि नहीं देख पाएंगे। कुन्यूटन? माँ ने उनके बारे में बताया था। तो क्या तुम कुन्यूटन को जानते हो? नहीं तो क्या? दिगंबर के काले जादू की वजह से आजकल कुन्यूटन कहीं दिखाई नहीं देते। कुन्यूटन नहीं होंगे तो हम नागमणि नहीं देख पाएंगे, और कुन्यूटन तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। मतलब भद्रा ने भी नागमणि को नहीं देखा? ऐसे पूछ रहे हो तो मैं कहूंगी कि मैंने नहीं देखा है। मेरी बहन सुभद्रा ने देखा है। नाग सापो के राजा दर्शन भेजा, 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 नाग सापो के राजा दर्शन भेजा। तुम्हारे मन में जो भी अच्छा है वो सच्ची और पवित्र होनी चाहिए, सब तभी तुम नागमणि के दर्शन कर पाओगे। प्रार्थना करते रहो। हे ईश्वर, आनंद की इच्छाओं को पूरा करना। मैं जैसे चाहता हूँ उसके साथ मुझे रहने देना, जैसे मेरी माँ रहा करती थी।
क्या हुआ? वो मुझे मार डालेगा, वो मार डालेगा मुझे। नागमणि को हासिल करने के लिए उसने सुभद्रा को मार डाला, वैसे ही वो मुझे भी मार डालेगा। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। सब कहते हैं सुभद्रा भाग गई है। भद्रा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यह है कि हम लोग वो कह के जरा सा कैसा यज्ञ, ये पूरी रात कहीं और बिता कर आई है। अगर ये पानी भी मांगेगी तो मत देना इसे, ले जाओ इसे। क्यों बच्ची पे हाथ उठाते हो? ये क्या किया तुमने? इसे तो महायज्ञ करने के बाद देवी बनना था। तुम्हारी माँ की गलतियों की सजा शिवापुरम के लोग भुगत रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताई, क्या यही मेरी माँ की गलती है? देखो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसका गलत मतलब मत निकालो। भद्रा मेरी बेटी है, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं बैठा हूँ। भद्रा को देवी बनाकर आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? सुभद्रा के साथ क्या हुआ था शायद भूल गए आप लोग, मैं ये सब नहीं मानता। पता नहीं आप लोग भाग कैसे रहे, आप अपने आप से या फिर दिगंबर के काले जादू से? बेटा, जो भी दिगंबर के खिलाफ हो जाता है वहाँ खून की नदियाँ बहती हैं। जो भी हो, पर मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून खराब हो। और आपको एक बात बता दूं, मैं दिल से भद्रा को चाहता हूँ। तुमने? मैं भद्रा को पसंद करता हूँ। भाई साहब, भाई साहब कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? क्या बात? हाँ, क्या हुआ? चलिए मेरे साथ, चलिए। कहाँ पर? कहाँ आइए? आखिर हुआ क्या है? वो चला गया। बात क्या है? मेरी चला गया। आप क्या कह रहे हैं? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आप वहां नहीं जा सकते, शांत हो जाओ। मुझे मेरे बेटे, मेरे बेटा, हेलो दिगंबर, चिल्ला
मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। आनंद, अमावस की रात, आयलियम नक्षत्र। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा नाम और जन्मतिथि रटकर मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? इंतजार तो नहीं कर रहा था, वैसे मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली बना ली है। मैंने भी तुम्हारी जन्म कुंडली बना ली है दिगंबर, और उसके हिसाब से अगले अमावस से पहले तुम जेल में सड़ोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। क्योंकि श्रेणी का खून तुमने किया है। मैं तो सिर्फ अमन और शांति पसंद करता हूँ। तुम मैं कातिल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सबूत ला कर आऊंगा। ये रहा, देखिए श्री ने कितना अच्छा लड़का था, उसके साथ ऐसा किया उसने, इतनी बुरी मौत। दिगंबर के लिए क्या सही है और क्या गलत, वो किसी को भी मार के बच सकता है, यही है इस जगह पर लगा श्राप। ये कौन सा श्राप है? आप बस देखते जाइए, मैं शिवकालन में दिए जलाऊंगा जैसे मेरी माँ चाहती थी, फिर मैं दिगंबर को कानून के हवाले कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास सारे सबूत हैं। श्रीनी की मौत को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। खून, लाश, तुमने सिर्फ एक ही देखी है, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे उखाड़ कर फेंक देगा। ये सब बेकार की बातें हैं, अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते तो बोल दीजिए, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस जुनून को देखकर बहुत डर लगता है। बस देखते जाइए। आनंद, एक लड़का आएगा जो बिल्कुल तुम्हारे टक्कर का होगा, वो होगा मेरा बेटा शिवराम। ये तो अच्छी बात है, आप अपनी आंखें बिछाए अपने बेटे का इंतजार कर रहे हो ना? दिगंबर, तुम्हारा काल आ गया है। मैं जानता हूं तुमने सुभद्रा की लाश को अब तक सलामत क्यों रखा है। ये क्या ज्योति जी, आपके चेहरे पर तो मौत का खौफ दिख रहा है, क्योंकि आप वो रात जानते हैं। क्या आप हर रोज मृत्युंजय महामंत्र का जाप नहीं करते? खैर, आपकी मौत तो बहुत शांति भरी होगी, आप उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सब कुछ अचानक ही होता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या तुम कैद हो गई हो? देखो मुझसे छुपाओ मत, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ ना। आनंद, भद्रा, मैंने तय कर लिया है कि अब आगे क्या करना है। मैं शिवकालन में दिए जलाऊंगा, उसके बाद मैं देवी पूजन के दौरान आऊंगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं कुछ भी छुपाकर नहीं करूंगा, मेरा साथ दोगी ना? क्या चल रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाओ। तुम्हारे अंग्रेजी तौर तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। मैं सिर्फ भद्रा से बात करने आया था। क्या कहा? क्या बात करनी तुम्हें उसके साथ? मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम गायत्री के बेटे हो। तुम फिक्र मत करो, तुम शिवाकालम में जाकर दिए जलाओ, मेरी मानो वो जरूर आएगी। यहाँ जो भी होगा उसे मैं देख लूंगी। तुम जाओ। मैं काटता हूं दूसरे के शरीर में, शिव की पूजा, आइलियम नक्षत्र अति उत्तम।
आयम नक्षत्र अति उत्तम। तुम बैठ जाओ, चलो। चुपचाप आकर सो गए हाँ? अगर तुम तैयार हो तो मैं अंदर आ रही हूँ। आनंद, अब ये कहाँ चला गया? दादी माँ, क्या आपने आनंद को देखा है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया, जाओ जाकर सो जाओ। Thank you.
प्रेम चामुंडा विजय नमः। ओ मैं 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 प्रेम चामुंडा विजय नमः। इतना इंतजार कर चुकी हूँ तो उसके आने तक रुक जाती हूँ। अगर तुम्हें डर लगे तो चादर के अंदर घुस जाओ और छुप जाओ। मैंने ठीक ही कहा था, चलो घर चलते हैं। हमारे शिवापुरम में बरसों से चली आ रही प्रथा में विघ्न बढ़ गया। हो सकता है अच्छे के लिए हो। ये पहली बार नहीं हुआ है, तीसरी बार इस तरह का विघ्न आया है। इसे क्या हुआ? बेटा दूध को पीकर जाओ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो कुछ भी होता है उसका सामना तो करना ही पड़ता है। कौन है? तुम तो भाई सैन फ्रांसिस्को वाले हो ना? क्या तुम हमारे साथ पीने का प्रोग्राम बनाओगे? मेरे यहाँ आने की वजह क्या है? कहीं ये खबर देने तो नहीं आया कि रावण ज्योति की मौत हो गई? चांद छुपा बादल में आनंद इंतजार कर रहा है। कहाँ है वो तालाब के पास? वही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम यहाँ पर बैठे हो? तुम्हें पता है आनंद, जब वो हाथी पागल हो गया था मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी,
लगता है तुम हल्दी वाले पानी में नहाए हो। मुझे देवी के रूप में स्वीकार करना सबके लिए बहुत आसान था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे देवी नहीं बनना। सारे दिए बुझ गए, हाथी मदमस्त हो गया और पूजा रुक गई। ईश्वर प्यार करने वालों की रक्षा करते हैं ना, है ना आनंद? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है कि उस मायावी कक्ष में तुमने क्या इच्छा मांगी थी। मायावी कक्ष, हमें कहाँ पर एक बार फिर जाना होगा। अपने इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें नागमणि और प्राचीन ग्रंथ चाहिए। ओए विदेशी, ये मत भूलो कि विज्ञान ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, पर हमारी सारी मान्यताएं पृथ्वी में ही बसी हैं। समझ में आया? मैंने इतनी सारी मेहनत के बाद तुम्हें इस मकान तक पहुंचाया है, घमंडी कहीं के। तो फिर बैठे रहो यहीं। एक प्रेमी को सही रास्ते पर लाने का एक तरीका है, गेंदे का फूल, शंख फूल और मोर के पंख को बाएं हाथ में रखने से और दाएं हाथ में मुट्ठी भर लाल बीज रखने के बाद अपने मन में अपने प्रेमी को याद करो, प्यार का मंत्र 7 बार बोलो, तो आप जिसे चाहते हैं वो आपके पीछे आएगा। ये बात मेरी दादी ने बताई थी। अब देखते हैं कि तुम मेरे पीछे आते हो या नहीं। मुझे जिन जिन लोगों से प्यार है वो छोड़कर जा रहे हैं, अब ज्योतिष रमन भी। सब किस्मत का खेल है। उनके जाने का वक्त आ गया था। वो हमेशा कहा करते थे, मृत्यु एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें से कोई नहीं उतरता, हम उसे रोक नहीं सकते, वो अपने आप रुक जाती है। कितना सच कहते थे वो। देवी माँ, एक घोंघा और बिखरे हुए लाल बीज तो अपशगुन होते हैं। अरे कोई, पानी डाल दो। तेरा चेहरा मुझको लगे सागर से सुंदर, तेरी आँखें मुझको लगे हिरनी से सुंदर, रूप तेरा मद माता आया तेरी सुंदर, रोम रोम में रूप लहर तेरा चेहरा मुझको लगे सागर से सुंदर। Thank you.
मुझको लगे सागर से सुंदर, तेरी आँखें मुझको लगे हिरनी से सुंदर, रूप तेरा मधुमाता काया तेरी सुंदर, रोम रोम में रूप लहर तेरा चेहरा मुझको लगे सागर से सुंदर। तुम्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिला क्या? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुत्तों को सुगाने से यही पता चलेगा कि उसने खाया क्या था, बाकी कोई सुराग बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है सर, ये सुराग जरूर ढूंढ लेगी। हर मुजरिम कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, पर यहाँ पर सबूत क्या सबूत चाहिए आपको? अगर आप रमन ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो उनका कत्ल दिगंबर ने किया है। पानीकर सर, क्या तुम दिगंबर का घर जानते हो? जानता हूँ सर। सर वो बहुत खतरनाक है सर, हमें सावधान रहना होगा। जरा संभल कर सर, यही दिगंबर है सर। अरे ये तो सर के बल खड़ा है। इससे एक बात साफ है, इस कुर्सी में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है। मुझसे कह रहे हो अपने आप से? बड़े दिलचस्प इंसान लगते हो। मेरे बारे में तो तुम बाद में जानोगे, अब सीधे हो जाओ, बाकी बातें पुलिस थाने चलकर करेंगे। पुलिस थाने में? मैं एक शरीफ और सीधा इंसान, ऊपर से ब्रह्मचारी हूँ। आप मेरी शांति में भंग कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। देखो बेहतर होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, अपने काले जादू की बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा और बंद कर दूंगा। पहले कुरुकल की बेटी सुभद्रा, फिर उस पुजारी का बेटा, और अब ज्योतिष रामा आए। सुन लिया, ये मेरी बीमार दादी माँ है, उनकी देखभाल के लिए किसी को बुलाता हूँ, उसके बाद आपके पुलिस थाने जरूर आऊंगा, मेरा यकीन कीजिए। तुम सच मुझे आओगे ना, वरना मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। व्याथम मृत्युम भूतम। ये क्या हो प्रार्थना स्वीकार करना, इसे सारी बुरी नजरों से बचाए रखना। तुम नींद में भी मुझे याद नहीं करते हो। ये क्या, ये बच्चे दरवाजा भी नहीं बंद कर सकते। जैसे मैं सपने में हूं।
और भारी लग रहा है। बस इतनी सी बात, मेरे पास इसकी दवा है, मैं अभी लेकर आई। ओ मैं ब्रह्म चामुंडा विचाय नमः। ओ मैं ब्रह्म चामुंडा विचाय नमः। ओ मैं ब्रह्म चामुंडा विचाय नमः। कल रात ये जोर से चीखा था और दो बार नींद में से जागा था। जरूर डरावना सपना देखा होगा। तुम लोगों ने मिलकर उसे परेशान कर दिया है। आप जरा चुप रहेंगे थोड़ी देर? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब ये कहां चला गया? भद्रा को देखकर लगता है जैसे वो बहुत परेशान है। वो बच्चे है कहीं उन्होंने? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें पता है रामन ज्योतिष ने क्या कहा था? आनंद किसी को भी मार सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ या तुम भी। सर मुझे नहीं लगता ये गाड़ी ठीक होगी, नट बहुत टाइट है। मैं कोई गैराज ढूंढता हूँ जहाँ से मदद मिल सके। गाड़ी खराब हो गई है, मैं कुछ मदद करूं? नहीं। कई बार खुद की चीजें ही खुद को धोखा दे जाती हैं, है ना? तुम जाओ यहां से। आप भूल गए, मैंने कहा था ना मैं आपसे एक घंटे में दोबारा मिलूंगा। लो मैं आ गया। मुझसे? ओ मैं मृम क्लेम चामुंडा विचय। 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 मचा हुआ था, हम जब वहाँ पहुंचे तो हमें लगा आनंद ने उसे मार डाला है, उसका शरीर खून से लथपथ था। फिक्र की बात नहीं है, इन्होंने वो एक्सीडेंट अपने सामने देखा इसलिए सदमे में है। इन्हें नींद की दवा दे दो, थोड़ा आराम करने दो। आनंद सब ठीक है। ओम ऐं म्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय नमः। ओम ऐं म्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय नमः। एक बात समझ में नहीं आई, उसके जैसा नॉर्मल इंसान बेकाबू कैसे हो गया? ऐसा लगा जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति आ गई हो। आपका मतलब है ड्यूअल पर्सनालिटी? कुछ ऐसा है, पर ये ड्यूअल पर्सनालिटी हमारे मेडिकल साइंस से अलग है, समथिंग बियॉन्ड दैट, ये उससे अलग है, एबनॉर्मल। मैं कहता हूँ टेस्ट के रिजल्ट आने दो, उसके बाद फैसला करेंगे। हुआ था खींच तान और जोर झपट्टा, शुक्र है कि वो पागल नहीं हुआ, डॉक्टर ने फौरन नींद का इंजेक्शन दे दिया। सुनिए, डरने वाली कोई बात नहीं, बस उसे सदमा लग गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान,
अभी आनंद कहाँ है? आनंद अभी इस वक्त कहाँ पर है? अभी वो मेरे घर में है। फिलहाल उसे इस माहौल से दूर रखना ठीक रहेगा। मुझे आनंद के लिए 4-5 दिन के कपड़े दीजिए। असल में हुआ क्या है? माजन घर आने वाला उस जादूगर के पुरानी दुश्मनी का नया चेहरा है ये, पर हम किसी को इस बात का यकीन नहीं दिला सकते। अच्छा पता है कि मैंने नागमणि से क्या इच्छा मांगी थी। मैंने मांगा कि शिवा कालन में दिए जलाना माँ की इच्छा थी ना। अगर तुमने उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। चलो शिवा कलम चलकर वहां दिए जलाते हैं। चलो ना, चलो ना। कालन में दिए जलाने ही वाला था, अब देखो कैसे पड़ा है, कैसे ये पूरी तरह बदल गया। कितना सुलझा हुआ सा बर्ताव था इसका, पर अचानक से ही ये बदल जाता है। उस वक्त क्या हो जाएगा इस बारे में कोई नहीं कह सकता। रात को 2 ग्लास शराब पिलाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो कोई मंत्र पढ़ रहा है। ये सैन फ्रांसिस्को से आया है, इतने कम वक्त में मंत्र कैसे सीख सकता है, है? अब इसे आराम करने देते हैं, आप सब बाद में आ जाइए। आ,
प्रेम क्रम चामुंडा विजय नमः। जिसके पास हजार सूर्यों की ताकत है तुम वही शिवराम हो ना? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अच्छे के लिए था, और अभी जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही है। उसे छोड़ दो और अपना काम करो। चेम्बा को तो तुम पहले ही अंधा बना चुके हो, ये उसकी बहन है। तुम ये सब खत्म क्यों नहीं कर देते? छोड़ दो इसे। तुम उसकी आत्मा के साथ खेल रहे हो, इससे तुम्हारा बुरा होगा। मैं जिस चीज को सही मानता हूँ मेरे लिए वही सही है। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो मेरे प्यारे दोस्त। देखते हैं तुम अपनी जादुई शक्तियों के साथ मेरा क्या बिगाड़ते हो। ये ताकत की परीक्षा है, और अगर यही किस्मत है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम उसे भले ही साथ ले जाओ, वो बहुत जल्द मेरे पास लौटेगी। अपने ज्ञान की मदद से तुम मुझे नहीं रोक सकते शिवराम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजयाय नमः। देखा, मेरी भानी उसके काले जादू का शिकार बन चुकी है। इसका शरीर इतना गर्म है कि ये और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मामी, संभालो अपने आप को। आप यहां पर खोदिए। ठीक है। चाहिए पानी ले आइए, जल्दी कीजिए। हवा रुक गई है। हे देवी, हे देवी माँ। मामी, आंखें खोलो। ऊपर वाले की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। उन्होंने हम पर बहुत दया दिखाई है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। Thank you.
कुछ पापा मुझ सुन लो, है ये रात नशीली नशीली नशीली। मालिक मेरे या अरे अरे मालिक मेरे या, 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 मालिक मेरे या अरे अरे मालिक मेरे या। क्या तुम्हें लगता है इस तलवार में इतनी धार है? कब तक तुम अपने मन में क्रोध लिए घूमोगे? जो मेरे अंदर की आग को हवा देता है अब सबको चला दूंगा। नहीं चंबा, वो इतना कमजोर नहीं है। उसकी जादुई शक्तियां उसके लिए कवच बन रही हैं। उसमें किसी के भी शरीर में प्रवेश करने की शक्ति आ गई है। अभी वो आनंद का शरीर इस्तेमाल कर रहा है। वो आनंद के शरीर की मदद लेकर अपने मकसद पूरे करना चाहता है। क्या इसका कोई अंत नहीं? इसे रोकने का कोई उपाय बताइए। इसका एक उपाय तो है और वक्त भी अब सही है। वो तेल के बिस्तर में दवा वाले तेल में अपना शरीर छोड़ देगा। वो अपने दुश्मनों मादम्बी परिवार वालों से अपना बदला लेगा। उसे कमजोर करने का बस एक ही तरीका है, उसका ब्रह्मचर्य टूटना चाहिए। फिर वो अपनी जादुई शक्तियां खोकर आम इंसान बन जाएगा। चंबा, आने वाली अमावस की रात बहुत खतरनाक होगी। तुम्हें भामे का ख्याल रखना होगा। उसे अपने साये से दूर भी मत करना, ये बहुत जरूरी है। क्यों आए हो? अब देखो हालात कैसे हो गए हैं। जिस दिन से उसने यहां पाल रखा है, हमारा बुरा वक्त शुरू। भद्रा को शिवकाला लाना होगा। मैं आपका इंतजार करूंगा, कल वहां पहुंच जाना। दिगंबर ने आनंद के साथ क्या किया है? अब आनंद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। शव पूजा के जरिए दिगंबर ने आनंद को कमजोर बना दिया है। दिगंबर दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति की मदद से आनंद बनकर तुम्हें ले जाएगा और नागमणि पाने की कोशिश करेगा। मैं अपने पुराने आनंद को वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं उसे खुद मायावी कक्ष में ले जाऊंगी। हाँ। तुम उस सावित्री की तरह हो जिसने यमराज से अपने पति को वापस मांग लिया था, मगर इसमें बहुत खतरा है। हमें उसे ठीक से पहचानना होगा कि वो आनंद है या दिगंबर की शक्ति। मैं अपने आनंद को पहचानती हूँ। अमावस की रात बिल्कुल सही शुभ मुहूर्त के दौरान उन 7 मिनटों के अंदर दिगंबर उस नागमणि और पुराने ग्रंथों को पाने की कोशिश करेगा। हमें उसे रोकना होगा। तुम्हें आनंद के साथ मायावी कक्ष में जाना होगा। अगर आनंद एक बार तेल के बिस्तर में डुबकी लगाएगा तो फिर दिगंबर के लिए आनंद के शरीर में प्रवेश करना असंभव हो जाएगा। कल रात अमावस की पूजा करने से मुझे दिगंबर को रोकना होगा। इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल का सूर्यास्त।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जब मैं तुम्हें लाने के लिए मादम भी गया तो मुझे वहां दिखाई ही नहीं दी। समझ में नहीं आता मुझे क्या हुआ है। कभी कभी समझ नहीं पाता कि क्या असली है और क्या नकली है। मुझे लगता है जैसे मेरी सिर्फ कल्पना है। ये मुझे क्या हो रहा है। ऐसी हालत किसी के भी साथ कभी भी हो सकती है। किसी के शरीर में प्रवेश करना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। दिगंबर ने ऐसी शक्ति हासिल की है जिससे वो अपने शरीर से निकलकर तुम्हारे शरीर में जा सकता है। उसने जो हासिल किया है याद है मुझे। मैं जानता हूं उसे। किसने मारा उसे? दिगंबर ने मारा? नहीं 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 नहीं। बताओ मुझे किसने मारा उसे, बताओ बताओ। आनंद ने मारा, आनंद ने मारा उसे। मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा उसे, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे खून करते हुए। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, तुम अब मेरे साथ ही रहना। Thank you.
तूने वो सब बर्बाद कर दिया। मेरा ब्रह्मचर्य भी और शरीर बदलने की शक्ति भी तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। चाहे जितने भी जन्म ले लो, सिर्फ एक पागल बनकर ही भटकते रहोगे। तुम्हें दूसरे का शरीर कभी नहीं मिल सकता। सर्वकालन की देवी, आनंद की रक्षा करना। इसकी रक्षा? इसकी रक्षा दिगंबर करेगा। मुझे तो बस ये उंगली हिलानी है, फिर तुम्हें ये जिंदगी इस लूले लगने के साथ गुजारनी पड़ेगी। मेरे आनंद को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। तो फिर चलो मेरे साथ। मेरी उंगली का किनारा पकड़ो और उसे मेरे लिए निकालो। जल्दी करो, वक्त कम है। छूने के लिए माता भी लड़की की उंगली पकड़ना काफी नहीं है, मुझे ऐसा करने का मन नहीं होना चाहिए। मन को समझाना होगा, वरना सुन लो तुम्हारा आदमी जादुई कक्ष में ही होगा। मैं जानती हूँ, फिर बहन से बचना तो तुमने ही मारा है। दिगंबर के लिए जिंदगी और मौत रात और दिन की तरह होते हैं, बिल्कुल अमावस और पूर्णिमा की तरह। उस दिन के बिस्तर में सुभद्रा जा पड़ी है, तुम्हारे लिए भी वही जगह होगी। समझ गई तुम? चलो जल्दी करो। नागमणि एक ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी को नियंत्रित करती है, मैं उसे तबाह नहीं होने दूंगी। मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। देखो दिगंबर, मेरी बात सुनो, भगवान को कुछ मत करना। Ha
जान लेने वाला हूं, क्योंकि भाभी की रूह अपने भाई की रूह के साथ रह पाए तो सिर्फ अगले सूर्योदय तक रहोगे। रात के 12 बजे तुम्हारी चिता डलेगी। दिगंबर, नागमणि को छूने का तेरा वक्त खत्म हो गया। उस चीज के लिए तड़पने का दर्द महसूस कर जो तेरी नहीं है, यही तेरी किस्मत है। सच्ची है? सारे दिए आपस में कुछ बातें किया करते हैं। क्या हो सकता है हम दोनों के बारे में? तुम्हारा आना हमारे लिए शुभ था आनंद, आज से सब शिवा कालन में दिए जला सकते हैं। अरे भाई आनंद, मुझे रास्ता दो, रास्ता दो, आ जाओ आ जाओ। एक मिनट आ बेटा, मेरे गांव में खुशियां लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से अब धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।